हेलो गाइस, सो वी आर जल्दी के में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज़ हैशटैग 123। जी हाँ, 123। जी हाँ, और दोस्तों आज भी बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। और टेक न्यूज़ का सिलसिला चालू करने से पहले दो चीज़, हर बार दो चीज़ नहीं होती बट कभी कभी हो जाती है दोस्तों। एक कमेंटर है, मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई मैं गेमिंग वीडियोस को कैसे एडिट करता हूँ। तो वो वीडियो जो कल आपको मिल जाएगी 1 से 2 बजे के बीच में, थोड़ा लेट आएगी क्योंकि ये जो है ये महाराज पता नहीं, इसको जाने दो। एनीवेज दोस्तों, कल वो वीडियो आ जाएगा, उसके लिए एडिट करना। और अब सब आज के टेक न्यूज़, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर हो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ऑन कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे नए नए गर्मा गर्म टेक न्यूज़ अपलोड होते हैं इसी VHL से टेक चैनल पे। और सपोर्ट दिखाइए अपना और थोड़ा आगे बढ़ाइए, और भी ग्रो करना है, ऑब्वियसली करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के टेक न्यूज़। और ये बाल तो भाई अलग है। तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर ब्लैक ऑप्स से, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर से। ये गेम दोस्तों 19 नवंबर को लॉन्च होने वाली है इंडिया में, नहीं वर्ल्ड वाइड आ रही है। और सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले जो है वो PS4 एक्सबॉक्स, हर एक एक्सबॉक्स में, हर एक PS में नहीं लेकिन PS4 में देखने को मिल जाएगा। एक्साइटेड हो? और हाँ, ट्रेलर आया, क्या रियलिस्टिक ट्रेलर है, माय गॉड। देखते हैं, मेरे पास वैसे PS4 तो नहीं है, गेमिंग PC है, उसमें कब आता है देखता हूँ, अगर आता है तो फिर थोड़े बहुत गेम प्ले वगैरह दिखा दूँगा। एनीवेज दोस्तों, आप एक्साइटेड हो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाय द वे, आपने उसका ट्रेलर देखा नहीं, देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा, ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर लिख दीजिए कॉल ऑफ ड्यूटी का, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। वैसे मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी का, बट पबजी मोबाइल का ज़्यादा हूँ। तो एनीवेज दोस्तों, एक्साइटेड हो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलो साथ करें अगले खबर की ओर। यहाँ पर दोस्तों जियो की तरफ से, और वो भी एक बुरी खबर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। आई होप कि आप इस जो ये जो स्कैम चल रहा है जियो का नहीं लेकिन बाकी लोगों का, उसमें आप फंसे ना हो। दोस्तों काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जियो नाम की, जी हाँ, जियो मार्ट जो है वैसी ही अलग अलग नाम की फेक वेबसाइट बन रही है जियो मार्ट के नाम से। तो जी हाँ, और जियो ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने कहा कि ये जो नाम है, लिस्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कोई कोई है जियो मार्ट लाइट, जियो मार्ट, जियो मार्ट .op। एनीवेज दोस्तों, ये जो सारे वेबसाइट्स हैं इनसे, और भी 6 हैं, और भी ज़्यादा बहुत है, तो उन सब वेबसाइट से आपको बच के रहना है, और जो ओरिजिनल जियो मार्ट है उससे आपको शॉपिंग करनी है। आप फंसे हो? मैं नहीं फंसा, मैं जियो मार्ट से लेता ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कोई भी जो सुपर मार्ट होता है, जो ऑनलाइन वाला ग्रोसरी स्टोर होता है, उधर से कोई मेरे मॉम डैड नहीं लेते, तो सब ऑफलाइन से। आप फंसे हो? फंसे हो तो बहुत बुरा है, लेकिन जियो की तरफ से बहुत बुरी खबर आ रही है, और ये असली जियो नहीं है, ये सब फेक है। और यार, पैसे कमाने हैं तो ईमानदारी से कमाओ, एनीवेज आपको, आप फंसे नहीं हो ना, आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उस बात करते हैं खबर का, यहाँ पर दोस्तों पबजी मोबाइल लाइट की तरफ से। जी हाँ, पबजी मोबाइल लाइट अगर आप इंडिया में खेलते हो तो एक काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है कि आप इतने इतने किल्स करोगे, इतनी इतनी चीज़ें करोगे गेम के अंदर, तो आपको कुछ अमाउंट मिल सकता है। जी हाँ, मैं तो नहीं खेलता पबजी लाइट, मुझे ठीक ठाक लगती है, ठीक है, बॉट्स आते सिर्फ। तो जी हाँ, अगर आपको खेलना है, आप बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के प्लेयर हो पबजी लाइट में, तो मैं आपको लिंक नहीं दे सकता क्योंकि वो एक स्ट्राइक वगैरह है उसके अंदर। तो एनीवेज, पबजी मोबाइल लाइट ओपन कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, उस उधर आप खेलिए और पैसे कमा ले लीजिए। चलिए सर्च करते अगला खबर। यहाँ पर दोस्तों वॉलमार्ट की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट का पेरेंट है, पेरेंट कंपनी है उस, फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है वो, तो जी हाँ, उसने दोस्तों अब बता दिया कि भाई हम भी कूद रहे हैं टिकटॉक को बचाने के, लेने के लिए, अक्वायर करने के लिए। अभी ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल है कि उसमें सारी कंपनियाँ कूद रही है, पहले फेसबुक कूदा, उसके बाद ये कूदा, उसके बाद वो कूदा, भाई सब कूदे रहो, जियो भी कूद गया। एनीवेज भाई, टिकटॉक इंडिया में मत आ वापस, तू उधर ही रहे, जहाँ पे है तू उधर ही रहे, मैं तो कहता हूँ उधर से भी गायब हो जा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों रेडमी की तरफ से, भाई रेडमी वालों को चैन,
मतलब चैन जो है वो है ही नहीं, उनका चैन जो है वो ले लिया है किसी ने। अभी दो कल ही फ़ोन लॉन्च किया और अभी 2 सितंबर को एक और फ़ोन आ रहा है भाई, रेडमी 9A का नाम से। जी हाँ, कोई अच्छा होता तो ठीक है, हम समझ सकते थे, बट इसका सक्सेसर भाई क्यों ला रहे हो? एनीवेज, रेडमी 9A ऐसा बताया जा रहा है कि 7.5 से 6 से 7.5 हज़ार के बीच में हो सकता है, ठीक ठाक ही होगा। वन ड्यूअल कैमरा तो नहीं होगा, सिंगल कैमरा होगा, सिंगल की सेल्फी 5 मेगापिक्सल की, 12 मेगापिक्सल का फोर पीछे की तरफ कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सॉरी, 3 GB RAM, 32 GB स्टोरेज और थोड़े बहुत कलर्स, HD+ की स्क्रीन वगैरह वगैरह। भाई रेडमी वालों क्यों ऐसे फ़ोन लॉन्च कर रहे हो? लाना है तो रेडमी K30 Ultra लाओ, K30 Pro लाओ, K30 तो नहीं है, Poco F2 Pro करके कुछ लाओ यार, क्या ही है, Redmi 10X 5G लाओ। बट इनको तो कुछ और ही लाना है तो लाइए, पता नहीं कौन खरीदेगा, बट जो भी खरीदेगा अच्छी बात है, खरीदेगा। वैसे आपको कुछ कहना है? भाई रेडमी भी ना अभी रियलमी से भी तेज़ होता जा रहा है, अभी कल ही फ़ोन लॉन्च किया, अभी वापस 2 सितंबर को ना, कि मतलब ब्रेक लेना ही नहीं है सीरियसली। आपको कुछ कहना है आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उस वक्त अगला खबर की और वाणी यहाँ पर दोस्तों, रियलमी की तरफ से, सॉरी मैंने बोला था कि रियलमी का मैं ज़ोर से बोलूँगा तो रियलमी की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, रियलमी 7 सीरीज का दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा टीज़र ही, एकदम छाप दिया, मतलब छाप तो नहीं दिया, डाल दिया रियलमी के CEO ने, फ्लिपकार्ट पे सब कुछ डाल दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ, सब दिखेगा इसी चैनल पे, दिखेगा अभी दिखेगा, तो दिखा देता हूँ रुको दोस्तों। ये जो है वो रियलमी 7 सीरीज का डिज़ाइन होगा, ऑब्वियसली ये जो ब्लू दिख रहा है वो आपको 7 प्रो मिलेगा, और ये जो वाइट है इसमें ट्रिपल कैमरा है, आई होप कि क्वाड कैमरा हो, बट देखिए ना साइज़ थोड़ी आई डोंट नो। साथ में ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 119 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, कितने का है वो पता नहीं, कितने मेगापिक्सल का है, 4 सेंटीमीटर का मैक्रो लेंस पता नहीं क्यों दिया, और एक पोर्ट्रेट लेंस, ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेंस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आई डोंट नो पढ़ सकते हो कि नहीं, बिकॉज सामने की तरफ थोड़ा बिगड़ गया है फोकस इसका, तो आई होप कि आप पढ़ लो, बट आई डोंट नो, नहीं पढ़ पा रहे। और ये कुछ शॉट्स है रियलमी 7 प्रो पे, सारे ही 7 प्रो पे लिए हैं, तो ठीक ही ठाक है। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी, ये देखिए ये जो है लिखा है लॉन्चिंग अ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोसेसर, अब और इसका लिखा है कि दोनों में ही 300,000 से ऊपर स्कोर जा रहा है, स्नैपड्रैगन 720G 300,000 से ऊपर कब गया भाई, समझ गए कुछ? जी हाँ, रियलमी 7 प्रो में मुझे नहीं लगता स्नैपड्रैगन 720G होगा, जो नया है 732G शायद वो हो सकता है, या फिर 720G, आई डोंट नो, देखते हैं। रियलमी 7 सीरीज दूर नहीं है, बगल में ही, एकदम बगल में ही है, 3 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, यस। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये G85 और G90T दोनों से भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, जी हाँ, 7 सीरीज का एंट्री टू स्कोर, इंटरेस्टिंग फ़ोन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड हाँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए और साथ करना खबर के बाद यहाँ पर दोस्तों, वन प्लस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर आ रही है, इनफैक्ट मुझे तो बुरी लगी, आपको नहीं लगे, आपको लगी नहीं लगी वो आप डिसाइड कीजिए। वन प्लस का दोस्तों एकदम बजट, एकदम खतरनाक वाला बजट फ़ोन, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 460 मिलेगा, HD+ की डिस्प्ले मिलेगी, ऑक्सीजन OS मिलेगा, ड्यूअल कैमराज मिलेंगे, और बस इतना ही है, 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 18W का चार्जर मिलेगा, मतलब वन प्लस इतने सस्ते फ़ोन लाएगा, डू यू थिंक? मुझे नहीं लगता, अगर लाएगा तो भाई वन प्लस की वैल्यू गिर जाएगी, गिर तो नहीं जाएगी बट फिर लगेगा कि यार वन प्लस अभी वन प्लस नहीं रहा, नॉट लाए ठीक, उतना ठीक है, बट नहीं मुझे नहीं लगता, आप बताओ मुझे कमेंट करो। उसका नाम भी आ गया क्लोवर, वन प्लस क्लोवर, उन्होंने नहीं बताया, अनऑफिशियल है, बट ऑफिशियल भी शायद आ जाए, आई डोंट नो, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे डिसाइड करिए आज का क्वेश्चन, वन प्लस क्लोवर ऐसे स्पेक्स के साथ जो मैंने आपको अभी बताइए वो स्पेक्स के साथ इंडिया में आना चाहिए 10-12 हज़ार की रेंज में, वो आप मुझे कमेंट करके आज का सवाल बता सकते हो। क्या आपको पता है कि दोस्तों, सॉरी गाइस, पहले बात, कल एक फैक्ट नहीं था, कल कोई मोटिवेशन का स्पीच था तो वो मैं नहीं देना चाहता था,
तो आज की फैक्ट ये है दोस्तों कि क्या आपको पता ही दोस्तों अमेज़ॉन यूएस का, जी हाँ यूएस का अमेज़ॉन जो है, मतलब यूएसए में जो अमेज़ॉन है उसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट सपोज 10,000 में ख़रीदते हो और 2 महीने बाद उसकी प्राइस कम हो जाती है, 2 महीने या फिर 3-4 महीने बाद, जितने भी महीने, 1 साल से पहले, मतलब 1 साल के बाद हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन 1 साल से पहले हुआ तो पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट 10,000 में ख़रीदते हो या फिर डैश प्राइसिंग में ख़रीदते हो और उसका प्राइस कम हो जाता है तो वो अमेज़ॉन वाले सामने से आपको और 2,000 रुपये देंगे, मतलब जितना भी वो गैप होगा दोनों के बीच में, प्राइस के बीच में, उतना पैसा आपको मिलेगा। इंडिया में कभी नहीं होगा, इंडिया में तो लोग पैसे के पीछे कूद रहे हैं और यहाँ वहाँ पे पैसे देने के पीछे। तो आज के डेट के साथ खत्म होते मेरे को, आज के डेट में पसंद है कि पसंद है लाइक करना और मैं आपके लिए ऐसे ही गर्मा गर्म वीडियो साथ रहूँगा, आप लोगों को ऐसे अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आप सब अगले अगले आपके साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड चलो बाय।